औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इरशाद हेल्थ सेंटर की तरफ से हकीम इरशाद सैन तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आज की हमारी वीडियो बहुत ही अहम है कि जब मनी पानी की तरह पतली हो जाती है तो इसकी कौन सी वजूहात होती हैं जिनकी बिना पर जो मनी पानी की तरह पतली हो जाती है और बहुत सी दवाइयाँ खाने के बावजूद भी अफाका नहीं आता और इससे शिफा नहीं मिलती। मेरे भाइयों, इसकी बहुत सी वजूहात हैं कि जो लोग बहुत ज़्यादा मुबासरत करते हैं, बहुत ज़्यादा सोबत करते हैं, इस वजह से भी मनी पतली होना शुरू हो जाती है। मनी के अंदर जो जरासीम है वो कम होना शुरू हो जाते हैं और इस वजह से थकावट होना शुरू हो जाती है, जिस्म दर्द करने शुरू कर देता है, पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं और अज़ो तनासल भी आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाता है। जिस औरत को लकोरिया की शिकायत होती है, लकोरिया एक इस कदर ख़तरनाक बीमारी है, लकोरिया की हालत में जब आप अपनी औरत के पास जाएंगे, उससे सोबत करेंगे, तो इस वजह से भी इसके असरात मर्द पर पड़ते हैं, उसके नफ्स पर पड़ते हैं, उसके नफ्स कमज़ोर हो जाता है और उसकी मनी पतली होना शुरू हो जाती है। तीसरी वजूहत है मेरे भाइयों, जो लोग मेंसेस की हालत में जब औरत को माहवारी आती है, मेंसेस आते हैं, उस दौरान मलाप करते हैं, तो ये वो वजह है मेरे भाइयों जिसकी वजह से बहुत ही ख़तरनाक बीमारियां मर्द को लाहक हो जाती हैं, सूरत अंजाल हो जाता है, एड्स हो सकती है, पेशाब के अंदर ब्लड आना शुरू हो जाता है, मनी पानी की तरह पतली हो जाती है, पेशाब के अंदर रेशा आना शुरू हो जाता है और इस वजह से इंसान मर्दाना तौर पर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल कमज़ोर हो जाता है और उसकी पावर बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, उसके पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, उसका नफ्स ढीला पड़ जाता है और टाइमिंग बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। मेरे भाइयों, इन तमाम मसाइल को दूर करने के लिए, इन तमाम कमज़ोरियों को दूर करने के लिए एक बेहतरीन नुस्खा है, नोट फरमा लें। सिर्फ तीन चीज़ें हैं मेरे भाइयों, किसी भी करीबी पंसार स्टोर से लें। नंबर एक पर सालब पंजा लेना है आपने 50 ग्राम, नंबर दो पर है स्याह मूसली लेनी है आपने 50 ग्राम और नंबर तीन पर सिल्का इश्क बोल लेना है आपने 50 ग्राम। ये तीन किस्म की चीज़ें हैं, तीनों को आपने किसी भी करीबी पंसार स्टोर से ले लें। पहले वाली दो चीज़ें ब्रिक पाउडर बना लें और सिल्का इश्क बोल इसी तरह इसके अंदर शामिल कर लें। तरीका इस्तेमाल इसका यह है कि एक आधा किलो दूध के अंदर आपने 2 चम्मच डालकर उसको हल्की आंच पर पकाना है। जब दूध गाढ़ा हो जाए हसबे जायका इसके अंदर शहद डाल लें या गुड़ डाल लें, शक्कर डाल लें, तो जब ये पक जाए, ये गाढ़ा हो जाए, इसको नीचे उतार लें और सुबह को खाली पेट इसका इस्तेमाल कराएँ। 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ही जितनी भी मर्दाना कमज़ोरी है, मनी पानी की तरह पतली है, पेशाब के साथ कतरे आते हैं, सूरत अंसाल के मसाइल हैं, तो इंशाल्लाह मेरे अल्लाह पाक के कर्म फजल से चंद हफ्तों में अल्लाह पाक का कर्म हो जाएगा और अल्लाह पाक आपको शिफा अता फरमाएंगे। मेरे भाइयों, अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, आगे दोस्तों को शेयर करें। अल्लाह पाक आपको और आपकी फ़ैमिली के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए।